बहुत आसान है इस ग्रुप से जुड़ना। हमारा टेलीग्राम को जैसे दिख रहा है इसको डाउनलोड करें, इसमें सर्च करें, ऊपर सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सर्च पे लिखें कागज पर टोटके, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक दिख जाएगा। इसमें आपको काफ़ी कुछ, जिन जिन लोगों को लाभ मिला है वो सब लाभ भी दिखता है, काफ़ी लोगों को लाभ मिला है आपको भी दिखेगा, और इसमें राशिफल भी हम बताते हैं, इससे अवश्य आप जुड़ें। ओम नमस्कार बंधु, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। बंधु आज की वीडियो में बताने वाले हैं, यदि दो व्यक्तियों के बीच में आप मनमुटाव, लड़ाई, झगड़ा कराना चाहते हैं, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर आपको या आपके घर परिवार में सभी को परेशान करके रखा हुआ है, और आप यही चाहते हैं कि यदि उन दोनों के बीच में मनमुटाव, लड़ाई हो जाए तो वो आपको परेशान करना बंद करेंगे, और ये भी हो सकता है कि आप उनमें से किसी एक व्यक्ति को वापस अपने जीवन में पाना चाहते हो, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति आ गया है उसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हो गया है, जो भी वैध रिश्ता था, लीगल रिश्ता था, वो सभी समाप्त हो गया है या समाप्त होने की कगार पर आ गया है। तो ये उपाय महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। देखिए, इसमें आपको मिट्टी के अंदर एक मिट्टी होनी चाहिए आपके पास, चाहे वो गमले की मिट्टी हो, चाहे आप बाहर से ला के किसी बर्तन में रख सकते हैं, जग के अंदर रख सकते हैं मिट्टी, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर आपको बुधवार रात को 9 बजे के से लेकर 11 बजे के बीच में ऐसे कोई चाकू गाड़ना है, ऐसे लेटाना नहीं है, ऐसे नहीं लेटाना है, ऐसे गाड़ देना है, जितना मर्जी गाड़ सके उतना गाड़ देना है। ऐसे मान लीजिए आपने 9:30 बजे रखा, तो अगले 24 घंटों तक आपको उसी में रखने देना है, यानी कि गुरुवार रात 9:30 बजे तक ये इसके अंदर ही रहेगा, मिट्टी के अंदर रहना चाहिए ये चाकू। फिर इसके बाद क्या करना है ये आपको बताते हैं। पहले देख लीजिएगा कि गाड़ा गया है इसको, तो इसमें ना कि लिटाया गया है। गमला कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि किसी एक विशेष पौधे का हो या किसी का हो, कैसा भी गमला हो सकता है, मिट्टी होनी चाहिए, कहने का तात्पर्य यह है, चाहे गमले में पौधा हो या ना हो चलेगा, मिट्टी अवश्य होनी चाहिए। गमला नहीं है तो किसी बर्तन में मिट्टी डाल के कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है ये अब हम आपको बताते हैं। अब हम आपको आगे का बताएंगे कि मान लीजिए पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं, गुरुवार का दिन आ गया है, अब आपको क्या करना है, उसी चाकू को बाहर निकालने के बाद नींबू जो है इसको काटना है, नींबू को काटना है बेहतरीन तरीके से, यानी कि बीच में से दो हिस्से होने पूरे जरूरी हैं, ये दो हिस्से हो गए हैं। अब ये लाल मिर्च का पाउडर है, और इससे पहले आपको थोड़ा एक कागज लेना है, और उस कागज में से एक हिस्सा थोड़ा सा फाड़ देना है, पहले नींबू काटना है, उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से फाड़ना है। क्यों फाड़ना है ये हम आपको बताते हैं। अब इसके ऊपर उन दोनों व्यक्तियों का नाम लिखना है जिनके बीच में आपने मनमुटाव यानी कि लड़ाई झगड़ा करवाना है, ताकि वो परेशान करें नहीं आपको या आपके घर परिवार में किसी को भी, सिर्फ नाम लिखना है। अगर नाम नहीं पता है तो आप ऐसे ही लिखेंगे अमूक, अमूक लिख देंगे नाम के स्थान पर। ये नाम लिख दिया है इसको ऐसे ही अभी फिलहाल नीचे रख दें, और अब ये जो लाल मिर्च का पाउडर है इसमें इसको ऐसे नींबू से लगा के ये जो कागज है इसको पूर्ण रूप से लाल कर देंगे। ये गुरुवार के दिन किया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ये देख लीजिएगा गुरुवार को जब हमने कहा कि 24 घंटे यानी कि 9:30 बजे अगर आपने करा था, तो गुरुवार को 9:30 बजे के बाद ये प्रक्रिया आपको शुरू करनी है। ये लाल हो चुका है, और अब क्या करना है इसको आप और लाल करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नींबू निचोड़ा भी नहीं है और ऐसे ही लाल हो जाएगा। अब इसके बाद आपको ये करना होगा कि ये जो कागज है इसको सूखने दीजिए आप, हम बिना सूखे ही बता देते हैं कि आगे क्या करना है, क्योंकि हम तो इसमें उपाय बता रहे हैं आपको। इसमें आपको उन दोनों व्यक्तियों के बारे में सोचते हुए उनका चित्रण करना है, यानी कि उनकी तस्वीर बनानी है। यदि आपके पास तस्वीर है तो तस्वीर चिपकानी नहीं है, आपको इसमें बनानी ही पड़ेगी। तो एक एक व्यक्ति के बारे में सोचते हुए कम से कम 2-2, 3-3 मिनट लेके तस्वीर बनाएं,
और जब आप बना रहे हो तो उनके बारे में ही सोचें, ये वही व्यक्ति हैं। और यदि वो पुरुष है तो पुरुष की तस्वीर बनाएं, यदि वो स्त्री है तो स्त्री की तस्वीर बनाएं, जल्दबाजी में ना बनाएं। इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है ये चीज़ जो हम बार बार बोलते हैं, अगर आप जल्दबाजी में बनाएंगे तो इतना ज़्यादा असर नहीं होगा, तो आपको आराम से समय लेके बनाना है। ये आपने जब बना लिया है उसके साथ, अब जो हमने आपको नाम लिखवाया था, नाम वाली जो पर्ची है इसको आपको जलाना होगा, नाम को, ये जो नाम है इसको आपको जलाना होगा, ये सामने रख देंगे इसको, और नाम को जलाना होगा। तो नाम वाली पर्ची है इसको आप जलाइए, अगर हवा है इसलिए थोड़ा हवा कुछ ज़्यादा तेज चल रही है, तो आप कमरे में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको खुले में करना है बाहर आके, घर में कहीं पे भी कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखना है आपको कि कोई आपको देख ना रहा हो, जब आप उपाय कर रहे हो तो कोई आपको देख ना रहा हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूरा जलाना है कागज को अच्छे से ताकि इसकी राख बन जाए। ये राख बन गई है, ये इधर इसकी राख बन गई है, आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, आप बस आपको जला देना है नाम अच्छे से। इधर हवा चल रही है तो इतने से काम नहीं चल रहा है। अब इसके बाद क्या करना होगा, जो बचा हुआ नींबू है, ये जो बचा हुआ नींबू है इस पर राख लगानी है, ये जो राख होगी वो नींबू पे लगानी है और फिर ऊपर रगड़ देना है राख, राख को, नाम के कागज की राख बनेगी उसको रगड़ देना है इसके ऊपर, किसके ऊपर, ये जो आपने तस्वीर बनाई थी उसके ऊपर। फिर अगर फिर भी राख बच जाती है जमीन पे गिर भी, तो उससे झाड़ उसको झाड़ू से बाहर निकाल देंगे, और फिर ये जो कागज है इसको बंद करेंगे, और फिर इसको घर से बाहर कूड़े में या फिर किसी सुनसान जगह पर फेंक कर आ जाएंगे। और जब आप फेंक रहे होंगे तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो जिसके लिए आपने उपाय करा है ये फलित होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, मनमुटाव होगा, और कभी भी मिलकर आपको परेशान नहीं करेंगे ज़िंदगी में, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा उस समय जब आप उसको फेंक रहे होंगे। और ये एक ही दिन का उपाय, यानी कि 24 घंटे लगेंगे, 9:30 के बाद करना है, उसी समय आपको कर लेना है, रात के 11 बजे से पहले पहले ये पूरा काम। तो बंधुओं ये उपाय करके देखें, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़िए, टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के द्वारा जुड़ें, हमारा एक अलग चैनल है कागज़ पर ज्योतिष नाम से, उस पर भी आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कई लोग कागज़ पर टोटके नाम से चैनल बना के कमेंट करके पूछते हैं, नंबर देते हैं, तो उन पे कॉल मत करिएगा। हमसे जुड़ना है तो सिर्फ कागज पर टोटके नाम से हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पर, उस पे आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखा आपने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।